नमस्कार, 7A न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुजिता। और खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आजम खान ने मांगी माफी, बीजेपी सांसद रमा देवी पर की थी अभद्र टिप्पणी, लोकसभा की कार्रवाई के दौरान रमा देवी को अपनी बहन बताया था। लालजी टंडन बने मध्य प्रदेश के 23वें राज्यपाल, रविशंकर झा ने पद एवं गोपनीयता की दिलाई शपथ, अटल के करीबी माने जाते हैं टंडन। फरीदाबाद में हुई रोटी बैंक की शुरुआत, साउथ रेंज के ADGP श्रीकांत ने किया उद्घाटन, पुलिस और जनता का साझा प्रयास आया नजर। माल्या की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, अब 2 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। माल्या पर बैंकों के 9000 करोड़ रुपए लेकर भागने का था आरोप। उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता की गाड़ी को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की हुई मौत, पीड़िता और वकील की हालत गंभीर। और खबरें विस्तार से। सपा सांसद आजम खान ने लोकसभा में भाजपा सांसद रमा देवी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर माफी मांग ली है। आजम ने सोमवार को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान रमा देवी को अपनी बहन बताया। इस पर रमा देवी ने कहा कि आपकी आदत जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है, यह आदत जानी चाहिए। आजम ने 25 जुलाई को पीठासीन अधिकारी रमा देवी पर अभद्र टिप्पणी की थी। आजम ने संसद में कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो मेरी बहन जैसी है, मेरी ऐसी कोई भावना चेयर के प्रति ना थी और ना हो सकती है। मेरे भाषण और आचरण को सारा सदन जानता है, इसके बावजूद भी चेयर को ऐसा लगता है कि मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लालजी टंडन ने मध्य प्रदेश के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और विपक्ष के नेता और विधायक मौजूद रहे। पार्षद से लेकर राज्यपाल तक का सफर करने वाले लालजी टंडन को दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का करीबी भी माना जा रहा है। बता दें कि लालजी टंडन लखनऊ लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में भी अब रोटी बैंक की शुरुआत हो चुकी है। रोटी बैंक का मकसद गरीब बेसहारा लोगों को खाना खिलाना होता है। फरीदाबाद में साउथ रेंज के ADGP श्रीकांत ने इसका उद्घाटन किया है। फरीदाबाद में रोटी बैंक के जरिए आम जनता भी गरीब लोगों की मदद कर सकती है। इसके तहत अगर कोई गरीब बेसहारा लोगों को खाना खिलाना चाहता है तो सेक्टर 17 में मौजूद रोटी बैंक में रोटी जमा करा सकता है। इसके अलावा रोटी बैंक के जरिए गरीबों की आर्थिक मदद भी की जा सकती है। रोटी बैंक का उद्घाटन करने पहुंचे साउथ रेंज के ADGP श्रीकांत ने इस मौके पर कहा कि यह पुलिस और जनता का साझा प्रयास है और यह लोगों की बेहतरी के लिए है। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब शुक्रवार 2 अगस्त को सुनवाई होगी। माल्या ने संपत्तियों को जब्त करने से रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दी कि विजय माल्या ने अपने और अपने रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों को जब्त करने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपनी दलील में माल्या ने कहा कि वो केवल उन अनियमितताओं का अटैचमेंट चाहते हैं जो किंगफिशर एयरलाइन से संबंधित है। गौरतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने जनवरी में माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया था। माल्या ने हाई कोर्ट में कहा कि मेरे खिलाफ यह आरोप असंवैधानिक है, इसलिए इसे हटाया जाए। माल्या पर बैंकों के 9000 करोड़ रुपए लेकर भागने का आरोप है। वो मार्च 2016 में ही लंदन भाग गया था। उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता की गाड़ी को एक ट्रक ने रविवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई, जबकि पीड़िता और उसके वकील की हालत गंभीर है। उन्नाव बलात्कार मामले का आरोपी भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हैं। इसके बावजूद सेंगर बीजेपी में अब भी बने हुए हैं और पार्टी ने उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। हालांकि योगी सरकार ने भी पिछले साल बहुत दबाव के बाद सेंगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बता दें कि उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता के चाचा रायबरेली के जेल में बंद हैं। पीड़िता अपने चाची, मौसी और वकील के साथ अपने चाचा से मिलने जा रही थी। इस हादसे के पीछे एक साजिश मानी जा रही है। पीड़िता की मां ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर हत्या और एक्सीडेंट कराने का आरोप भी लगाया है। हर कोई अपने गांव में विकास की बात सोचता है, पर अजगढ़ के ग्राम पंचायत बहादुरगंज में उल्टी गिनती चल रही है, जहां कुछ दबंगों ने यह कहकर नाली निर्माण कार्य को जबरन रोक दिया कि हरिजन बस्ती का पानी उनके दरवाजे से नहीं निकलेगा। अब बारिश होने पर गांव के रास्तों में पानी भर रहा है। गंदगी और कीचड़ से रहवासियों का जीना दूभर हो गया है। बीमारी की आशंका बढ़ गई है। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग क्या कार्रवाई करता है। निकलने में परेशानी हो रही है,
घर भी बगल में है आपका, यहाँ से पूरा नाला निकलता होगा तो क्या पानी अंदर चला जाता है? पानी अंदर आएगा ही, आ जाता अंदर। टीन बनने से क्या परेशानी हो रही है? हमें यहाँ परेशानी हो रही है कि सबको परेशानी हो रही है। आपको बेटा क्या परेशानी है? हम स्कूल से आते हैं तो उधर हम के पानी भर जाता है और गिला मच जाता है तो हम साइकिल गप जाती है तो हम गिर जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, नाली वहाँ से बननी चाहिए। अजयगढ़ से अनिल गुप्ता की रिपोर्ट। गुजरात के बलभीपुर तालुके गांव में विद्यार्थियों के सम्मान का आयोजन किया गया जिसमें कोली समाज ने विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। आयोजन में गांव-गांव से विद्यार्थी आए जो खुशी और उत्साह से भरे हुए थे। कोली समाज इस तरह के आयोजन कर विद्यार्थियों को जागरूक कर रहा है। गुजरात के बलभीपुर से भरत ठाकुर की रिपोर्ट। अजगर से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की गई। नगर के खोए मोहल्ले के झिरियन के भोले बाबा मंदिर से 40 किलोमीटर दूर की सफर पर कांवड़िए निकलेंगे और कलिंजर के प्राचीन नीलकंठ मंदिर में महाकाल का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचेंगे। कार्यक्रम के संयोजक अमित गुप्ता ने बताया कि निःशुल्क पंजीयन किया जा रहा है, इसमें जो व्यक्ति जाना चाहता है जा सकता है। जो कांवड़ यात्रा मानी भोले बाबा की यात्रा है, हम भोले बाबा की यात्रा हम चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र के नौजवान लड़का कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग हमें आए हुए हैं। मैंने इन्वाइट किया है, मैंने टीपू पाप का इन्वाइट किया है और टीपू पाप हमारे बीच में आई, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे बीच में अमित गुप्ता जी जो हैं, जो ऊर्जावान गुप्ता जी हैं हमारे, जो उन्होंने इस तरह की योजना की है, हमको बड़ा बहुत अच्छा लगा। ये कांवड़ यात्रा हमारी विगत है एक साल से प्रारंभ है और यह कांवड़ यात्रा हमारी अजयगढ़ से होती हुई 40 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा होती है और कलीजर 2 दिन की यात्रा होती है और हम नगर के प्रमुख और हर जगह पहुंचकर और कलीजर पहुंचकर वहां पर जलाभिषेक करते हैं और उसके बाद भंडारा का एक कार्यक्रम रहता है, सभी श्रद्धालु वहां पर भंडारे के रूप में प्रसाद अर्पित करते हैं। छतरपुर जिले के ग्राम पंचायत गोमाकला में पीने के पानी के लिए लोग भटक रहे हैं। वहीं सरपंच परमा अनुरागी सरकारी बोरवेल से अपने खेत का पेपरमेंट सींच रहा है। बता दें कि गांव में खनन कर पाइप लाइन बिछाई गई थी और पानी की टंकी भी बन गई है, फिर भी लोगों के घरों में पानी कोसों दूर है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर कई बार शिकायत की पर कोई नहीं सुन रहा है। छतरपुर से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। जो वो लेन है वो उसका वो मोटर जल गया है। हाँ। और मैं लिख के दे भी चुका हूँ, अभी भी मोटर वर्तमान में ही मोटर जला है, मोटर जला हुआ है, मतलब अभी भी मूल्य है अपने। अच्छा अच्छा ठीक है। और बाकी और जो पाइपलाइन है उसके लिए खराब हो गई है। छिंदवाड़ा जिले के मोहगांव हवेली में अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है जो विश्व में स्थापित 12.5 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां श्रावण मास होने से सुबह से ही दर्शनार्थियों का तांता लग जाता है। मंदिर के गर्भ गृह में शिव महापुराण कथा हॉल में रुद्राभिषेक चल रहा है जिससे पूरा मंदिर परिसर रुद्राभिषेक के मंत्रों से गुंजायमान है। छिंदवाड़ा से नकुल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। डबरा में थाना पिछौर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और रैली निकालकर नगर के लोगों को जागरूक किया गया। थाना परिसर में 100 फलदार व छायादार पौधे रोपे गए। थाना पुलिस ने पौधों के रखरखाव एवं पालन की जिम्मेदारी ली है। यहाँ पर वृक्षारोपण लोगों को सुकून और शांति के लिए किया गया। मैं अता मोहम्मद चंबल संभाग धर्मगुरु सभी जगह पेड़ लगाने का कार्य कर रहा हूँ और यहाँ पर आज मुख्य अतिथि में SDM महोदय और उनके साथ वंदना यादव जी, थाना प्रभारी पप्पू यादव जी और पिछोर CMO सभी लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया और पेड़ लगाए गए। पिंड जिले के दबोह में नपा और पुलिस ने थाना परिसर में फुटपाती सब्जी व्यापारियों की बैठक बुलाई और 2 दिन में नवीन सब्जी मंडल में शिफ्ट होने का अल्टीमेटम दिया। दुकानें नहीं शिफ्ट हुई तो कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि ठेले वालों की वजह से नगर में आए दिन जाम लग जाता है, जनता व मरीजों को आने जाने में परेशानी होती है। इसी के मद्देनजर एक उपनिरीक्षक ने ठेला हटाने का प्रयास किया तो सब्जी विक्रेताओं ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया था जिसके चलते उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया था जिससे अतिक्रमणकर्ताओं के हौसले बुलंद हो गए और ठेले मेन रोड से नहीं हटाए गए। इस पर सेवा दल कार्यकर्ता एवं संकुल प्रभारी ने अतिक्रमण हटाए जाने के लिए मंत्री अधिकारी व SDM से मांग की थी जिस पर ठेले हटाए जाने की कार्रवाई शुरू हुई। दबोह से मोहित गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए 7i News के साथ। नमस्कार।